मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए जमकर प्रचार हो रहा है। बीजेपी की तरफ से खुद सीएम शिवराज ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वही धुआंधार रैली भी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री भी मैदान में उतर चुके हैं। वही कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने प्रचार से ज्यादा भरोसा मानसून पर है। इसीलिए निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख 6 जुलाई के पहले कांग्रेस बारिश की कामना कर रही है, ताकि बारिश से नगर निगम की पोल खुले और मुद्दे को भुनाया जा सके। आपको बता दें कि कुल मिलाकर कांग्रेस को अपने प्रचार से ज्यादा इंद्र देवता का इंतजार है। कांग्रेस को उम्मीद है कि शहर में इंद्र देव की यहां पर बनवाएंगे कांग्रेस की सरकार। दरअसल कांग्रेस को इंतजार है कि बारिश के बाद बीजेपी के विकास के दावों की पोल नगर निगम में खुलेगी। इंद्र देवता के भरोसे कांग्रेस अपना प्रचार प्रसार कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बारिश की वजह से सीवेज होंगे और जाम लगेंगे और निचली बस्तियों के डूबने के हालात बनेंगे। सड़कों पर पानी लगेगा, लोगों के घरों में पानी घुसेगा, बिजली कटेगी, तब जाकर बीजेपी के दावों की पोल खुलेगी। कभी भी विकास की बात नहीं करते, क्योंकि विगत 17 वर्षों में उन्होंने विकास नहीं किया। आप देखिए किस प्रकार से आज इंद्रदेव ने भी उनकी पोल खोल दी है। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है और निकाय चुनाव के चलते हुए, पंचायत चुनाव के चलते हुए आप देखिए किस प्रकार सड़कों की हालत जर्जर हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में तो सड़कें हैं ही नहीं किलोमीटर तक। और कांग्रेस पार्टी जो हमेशा मुद्दों की बात करती है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या बेहतरीन काम किया था, प्रदेश की जनता के हित की बात की थी और ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए वो योजना लाए थे। आज उस सब योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल के हमारे देखिए कांग्रेस किस तरह से सोचती है ये उसका विषय है, लेकिन हम तो सोचते हैं कि किसानों की भलाई के लिए बारिश होना अत्यंत आवश्यक है, मानवीय जीवन के लिए बारिश होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बारिश केवल मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, इस तरह की कामना करना मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक मतदान की बात है तो मैं समझता हूं कितना भी पानी गिर जाए तो भी मतदाता घर से निकलेगा। कांग्रेस ये ना सोचे कि पानी गिरने से मतदाता घर से नहीं निकलेगा, पानी गिरने के बाद भी मतदाता घर निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दे। देखिए अब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने जैसी तो कोई बात बची नहीं है। कांग्रेस तो अब मैदान में कहीं है ही नहीं, उसे नुकसान क्या पहुंचाएंगे वो लोग। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर, शिवराज सिंह जी के कामों के आधार पर, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की योजनाओं पर जनता जनार्दन मोहर लगाएगी। और कांग्रेस इस तरह की बातें करके केवल हार के कारण ढूंढ रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।